वीडियो देखने वाले सभी दोस्तों का स्वागत है। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ एक बेहद दिलचस्प और अनोखी यात्रा पर। हम सब मिलकर एक नए और एक्सक्लूसिव क्लोथिंग ब्रांड की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स को सोर्स करेंगे, फिर एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएंगे और आखिर में इसकी मार्केटिंग करेंगे ताकि ये ब्रांड पूरी तरह से तैयार हो सके। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के बाद तो आपको YouTube पर अलग अलग ट्रिक देखने नहीं पड़ेगी, वहाँ रोज नए नए अर्निंग ट्रिक आते रहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में आप सबको भी इसमें शामिल करूंगा। जी हाँ, आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी मेरे इस नए बिजनेस के पार्टनर बनने का मौका पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसमें बहुत कुछ नया सीखने और करने को मिलेगा। ये जर्नी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम जो हमारे सामने है वो है एकदम सही और अलग क्लोथिंग ब्रांड का चयन। मैंने शुरुआत की अपनी रिसर्च और मार्केट में ढूंढने लगा कि ऐसा कौन सा गैप है जिसे अभी तक कोई भी पूरी तरह से भर नहीं पाया है। काफी सोच विचार के बाद मेरे माइंड में दो कैटेगरीज आईं। पहली तो जेंज टाइप क्लोथिंग, मतलब वो कपड़े जो ट्रेंडी और स्ट्रीट वियर की तरह दिखते हैं, और दूसरी कैटेगरी है क्लासी और लग्जरी कपड़ों की जो देखने में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और एलिगेंट लगते हैं। लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल टेस्ट की बात करूं तो मुझे जेंज टाइप क्लोथिंग से ज्यादा लगाव नहीं है। मुझे हमेशा से ही क्लासी और लग्जरी फैशन की तरफ झुकाव रहा है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा ब्रांड शुरू किया जाए जो क्लासी और लग्जरी हो और जिसमें ओल्ड मनी स्टाइल की झलक हो। अब बात आती है प्रोडक्ट सोर्सिंग की। चूंकि मैं एक प्रीमियम और लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड बना रहा हूँ तो मुझे सब कुछ एकदम बेस्ट चाहिए। कपड़ों की क्वालिटी से लेकर उसकी पैकेजिंग तक हर चीज में मेरी ब्रांडिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने तय किया कि मुझे किस तरह के कपड़े बेचने हैं। इसके बाद मैंने उन कपड़ों के सप्लायर्स को ढूंढना शुरू किया। काफी कोशिशों और रिसर्च के बाद आखिरकार मुझे एक ऐसा सप्लायर मिला जिसके पास सब कुछ था, और वो भी टॉप नॉच क्वालिटी के साथ। ये सप्लायर मुझे एक दोस्त के जरिए मिला जो फैशन इंडस्ट्री में काफी समय से काम कर रहा है। पहले मैंने उस सप्लायर की क्वालिटी को टेस्ट किया और फिर उसके फैब्रिक्स की जानकारी ली। इसके बाद मैंने कुछ आउटफिट्स क्यूरेट किए और उनका ऑर्डर बल्क में प्लेस कर दिया। ये एक टेस्ट ऑर्डर था जिसकी लागत लगभग 1,00,000 रुपए थी। जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, हम और ऑर्डर्स प्लेस करते रहेंगे। अब जब तक हमारी डिलीवरी आने का इंतजार करेंगे, तब तक हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट भी क्रिएट कर लेंगे। वेबसाइट के लिए मैंने शॉपिफाई का चयन किया है जो कि एक बहुत ही पॉपुलर और यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। अगर आप भी अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो Shopify का फ्री ट्रायल लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बारी है स्टोर क्रिएशन की और उसमें प्रोडक्ट्स डालने की। फिलहाल मेरे पास प्रोडक्ट्स इन हैंड नहीं है, इसलिए मैं इंटरनेट से कुछ फोटोज ढूंढकर उन्हें वेबसाइट पर ऐड कर दूंगा। एक बार प्रोडक्ट्स रेडी हो जाएं, फिर हम उनका फोटोशूट भी करवा लेंगे। वेबसाइट क्रिएट करने में मुझे थोड़ा समय लगा, लेकिन आखिरकार मैंने कुछ प्रोडक्ट्स भी ऐड कर दिए और हमारी पैकेजिंग भी डिजाइन कर ली, उसे भी बनाने के लिए दे दिया। लोगों को एक एक्सक्लूसिविटी फील होगी और एक कम्युनिटी बनेगी लाइक माइंडेड लोगों की, जहां वो एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग करके कुछ नया कर सकते हैं। अब बात आती है मार्केटिंग की। दोस्तों, मार्केटिंग किसी भी बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बिना सही मार्केटिंग के आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लें, वो मार्केट में टिक नहीं पाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो कोई और नहीं कर रहा। मैंने सोचा कि लोग कपड़े कहां से परचेज करते हैं। एक तो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और दूसरा मॉल से कपड़े खरीदते हैं। फिर मेरे दिमाग में एक और शानदार आइडिया आया। मैंने सोचा कि क्यों ना छोटे छोटे कार्ड्स प्रिंट करवाए जाएं, जिन पर एक डिस्काउंट कोड लिखा हो। फिर मैं वो कार्ड्स लेकर मॉल जाऊंगा और वहाँ जो कपड़े हैं उनके पॉकेट्स में वो कार्ड्स डाल दूंगा। मतलब जो लोग मॉल जाकर कपड़े खरीदेंगे या ट्राई करेंगे, उन्हें उस कार्ड के जरिए हमारी ब्रांड के बारे में पता चलेगा। इसको बोलते हैं मार्केटिंग विद डिटेल टारगेटिंग। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि ये तरीका लीगल है या नहीं, लेकिन शायद ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसलिए मैं आप में से किसी को ये तरीका अपनाने की सलाह नहीं दूंगा। ये बस एक आइडिया है जिसे मैं खुद पर ट्राई करने जा रहा हूँ, और हाँ, मैं इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होऊंगा अगर आप भी इसे ट्राई करते हैं। कुछ समय बाद मुझे पहली सेल मिली। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, एक कपल ने हमारी वेबसाइट से एक टी शर्ट ऑन ऑर्डर की। फिर कुछ ही घंटों में दूसरी सेल भी आ गई। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि मेरी मेहनत रंग ला रही है।
अब हमें और मेहनत करनी होगी ताकि ये ब्रांड सही मायनों में पॉपुलर हो सके। अब जब हमारे प्रोडक्ट्स तैयार हो चुके हैं और वेबसाइट भी लाइव हो चुकी है, तो अब बारी है एड्स रन करने की और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने की। मैंने अपनी टीम से बात की और प्लान बनाया कि हमें किस तरह से अपने ब्रांड को प्रमोट करना है। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एड्स चलाने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स को अपने प्रोडक्ट्स भेजेंगे ताकि वो अपने फॉलोअर्स को हमारे ब्रांड के बारे में बता सकें। और हाँ, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और भी ज्यादा मेहनत कर